चेहरे पे निखार देखने के लिए हम क्या कुछ नहीं ट्राई करते। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, किचन में मौजूद चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हेलो हो। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस स्किन केयर रूटीन में हम इस्तेमाल करेंगे दही का, और दही कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, विटामिन्स का भंडार है, और ये हमारी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखती है। अगर आप दही का रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन यूं ही जवा बनी रहती है। देखिए, जैसा मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी चीज़ को अगर आप आज यूज़ कर रहे हो, कल अगर आप उसका रिजल्ट देखने लगोगे तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमें चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको कहीं से कट लग जाता है, अगर उंगली सब्जी काटती बार कट गई, तो अगर आप अभी उसमें दवाई लगा दोगे तो शाम तक वो ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अपनी स्किन के लिए कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है, और चीज़ें 1 या 2 दिन में बिल्कुल ही चेंज नहीं हो जाती हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, रेगुलरली केयर करनी पड़ती है। अब अगर आप घर में आप अपने घर की चीज़ों की अच्छे से केयर नहीं करोगे तो क्या होगा? खराब होती जाएंगी, घर की सफाई नहीं करोगे, जाले जमते जाएंगे, डेली आपको सफाई करनी पड़ती है। तो उसी तरह से स्किन की भी आपको डेली केयर करनी पड़ती है। अब आपका एक और सवाल कि आप तो बहुत सारी रेमेडीज हमारे साथ शेयर करते रहते हो, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यूज करें कौन सा नहीं यूज करें। बात भी सही है। तो देखिए, मैं आपके साथ इसलिए रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ डेली, डिफरेंट डिफरेंट, ताकि देखिए हर एक इंसान की स्किन टाइप तो अलग अलग है ना। अब जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है आपको भी वही चीज़ सूट करती हो, और मैं पहले खुद पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपको आप सेफली उन्हें यूज़ कर सकें। एकदम से जब हम किसी चीज़ को यूज़ करें तो कई बारी रिएक्ट भी कर सकती हैं, कईयों को सूट नहीं करती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। तो जो कुछ भी मैंने इसको यूज़ करने के दौरान फेस किया वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर आप इस तरह से इसे यूज़ करोगे तो ये होगा, और इस तरह से यूज़ करोगे तो ये होगा। इसीलिए मैं चीज़ों को डेली, सिर्फ आपके लिए डेली अलग अलग तरह से चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ और फ़ायदा मुझे देखिए क्या मिलता है। आप जो मेरी क्लियर स्किन मुझसे पूछते हो कि भाई आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे है, तो चीज़ें 1 या 2 दिन में नहीं बदलती हैं, टाइम लगता है। कि मैं भी ध्यान नहीं देती थी, ठीक है, धूप में बैठे हैं, सर्दियों में टैनिंग हो जाती थी फेस पे, तो इतना ध्यान नहीं देते थे, पता भी नहीं होता था कि अच्छा कैसे क्या करना है। तो किसी ने भाई फेस पैक बता दिया एक दिन में, यार रिजल्ट नहीं मिला, बेकार है, मैंने नहीं ये यूज़ करना, बस यही मेरा भी होता था। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को खुद यूज़ करने लगी, रेगुलरली आपके साथ शेयर करती रही, तो मेरी स्किन खुद ब खुद अच्छी होती गई, और नतीजा अब आपके सामने है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी पेशेंस रख के थोड़ा चीज़ों को रेगुलरली थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एकदम से अगर आप बोलोगे कि आज के आज ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है। तो ऐसा है। बाकी चलिए जल्दी से देखते हैं कि दही का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फेस पैक जो मैं आपको बताऊंगी, उसे आप रेगुलर बेसिस पे एज अ फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से रिपेयर होगी, जो भी आपके स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होंगी। और बाकी हफ्ते में एक बार आप अपने फेस का अच्छे से मतलब एक पॉलिशिंग कर सकते हो। तो दही सबसे बेस्ट चीज़ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है और गुणों से भरपूर है। तो इस तरीके से आप ये जो 3-4 स्टेप्स मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप अपनी स्किन को पॉलिश कर सकते हो। आपको कहीं पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर से कई गुना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो कैसे क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फेस पैक, जिसे डिफरेंट तरीकों से हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊँगी। इसके लिए 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है चोकर सहित, जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही चुटकी भर मैंने ली है ये हल्दी, ये वाइल्ड टर्मरिक है, शुद्ध हल्दी आपको लेनी है, अगर आपके घर में है तो वो आप ले सकते हो।
अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है दही, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ये फिक्स करता है। आधा ये कटा हुआ नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ दूंगी। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें पाई जाती है, तो फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए और स्किन को निखारने के लिए बहुत ही कारगर होता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक आपके पास बन के रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी आपको नहीं बनाना है, जैसे आप देख रहे हो इसी तरह से आपको बनाना है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 क्लिंजर रहता है, किसी भी फेस वॉश की मदद से आप अपने चेहरे को धो लीजिए और उसके बाद आपको गुलाब जल की मदद से इस तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। गुलाब जल आपकी स्किन को एक तो टोन भी करता है, आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, मतलब नेक्स्ट जो कुछ भी आप ऐड अपनी स्किन में इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है। स्टेप नंबर 2 है कि हमने अपने स्किन को अच्छे से स्क्रब करना है। स्क्रब करने के लिए मैंने इसी फेस पैक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छी तरह से। जहाँ पर भी आपको जैसे नोज एरिया, चिन एरिया पर ब्लैक एंड वाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हल्के हाथों से आपको इस फेस पैक को रब करना है। अब इसके बाद मैंने एक मोटी लेयर की तरह, जैसे हम फेस पैक अप्लाई करते हैं, आप स्पून की मदद से या फिर फिंगर की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट। आपको इसे सूखने देना है और सूखने देने के बाद डायरेक्टली आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हो। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया है और आप देख सकते हो सडनली आपको अपनी स्किन एकदम ब्राइट और निखरी हुई नजर आएगी। इसके बाद किसी भी अच्छे फेस मॉइस्चराइजर की हेल्प से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। इस तरह से देखा ना आपने कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके किचन में मौजूद चीजों के साथ ही हमने ये फेशियल किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। कहीं पर भी शादी ब्याह पार्टी या फिर आपको स्पेशल दिखना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आपको और भी अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि जब भी कोई भी स्किन केयर या फिर आप फेशियल करते हो तो आपको लगभग, मिनिमम बोल रही हूँ, 12 घंटे तक साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करते हो आप तो फिर वो चीज़ मतलब निकल जाती है, कोई फायदा नहीं रह जाता है। इसलिए रात का टाइम सबसे बेस्ट है, सोए सोए निकल जाएगा और सुबह मॉर्निंग में फिर आप जो भी आपका रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से दही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए, बहुत अच्छे आपके रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप जो फेस पैक मैंने यहाँ पे बताया है इसे आप एज अ फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर मतलब आपको कोई फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं यही करती हूँ और मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। हाँ, इंग्रेडिएंट्स को चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए हर एक इंग्रेडिएंट के अंदर कोई ना कोई पोषक तत्व हैं, कोई ना कोई उसकी अपनी एक खासियत है। अब जैसे गेहूं है उसमें अलग तरह के पोषक तत्व होंगे, अगर चावल का आटा है तो उसमें अलग होगा, आलू है उसमें कुछ और एडिशनल आपको होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं इसलिए मतलब थोड़ा अलग वे में यूज़ करती रहती हूँ डेली। अगर मैंने आज बेसन इस्तेमाल किया है, कल मैं चावल का आटा लूँगी, फिर मुल्तानी मिट्टी लूँगी। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखे होंगे तो, और बाकी अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके लिए बहुत सिंपल सिंपल लेकर के आती रहती हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।